कॉन्सर्ट में भर भर के पानी घुसा हुआ है। यामा ने हमारी पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब ये सोच रहे हैं ये कुछ भी बेचेंगे और इंडिया में हम खरीदते रहेंगे। इतनी पुअर क्वालिटी कभी यामा से उम्मीद नहीं करी थी मैंने, इस बार ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, गलती कर दी है। बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है यामा से। तो फ्रेंड्स, टेक्नीशियन ने हमारी बाइक देख ली है, तो उसने बताया है कि जो कौन सेट है वो हमारे टायर की वजह से थोड़ा हो रहा है। अब टायर सरफेस थोड़ा अनइवन हो गया है, तो उसकी वजह से जो जर्स लग रहे हैं वो कोन पे लग रहे हैं। कोन थोड़ा ढीला हो गया, तो उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि अगर हम टायर बदलाने के बाद ही कौन सेट को बदलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल अभी हम इसकी ग्रीसिंग कराएंगे और थोड़ा सा टाइट करा देंगे। बाकी एक इशू इसमें, इस पे रस्टिंग का भी आ रहा था, तो रस्टिंग के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इसकी वारंटी में नहीं आता ये, तो इसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। और तो कोई इशू नहीं था इसमें फिलहाल। अभी वॉशिंग के लिए वेट कर रही है हमारी बाइक, तो बाकी वॉशिंग जब होएगी तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाइक धुल के आ गई है बाहर से, यहाँ पे इनके सर्विस स्टेशन में अभी थोड़ा काम चल रहा है। तो बाइक तो ठीक ठाक वॉश कर ही दी है, पहले हैंडल का काम हो जाए। ठीक है, तो भाई बाइक के हैंडल का काम हो चुका है शुरू। दोस्तों, मेन नट खोलने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी है, इतना जंग तो इसमें दिख ही रहा है। बाकी आगे खोल के देखते हैं। तो भाई ये रही इसकी हालत, जंग खा चुकी है अच्छी तरह से, और अभी बाइक को सिर्फ साल हुआ है। ये क्या है? तो कौन सेट की हालत कुछ इस तरह निकल रही है, सारा जंग इसमें आ गया ग्रीस में। जाओ मत दबाओ बड़े सर, ये तो टट्टी है। हाँ जी, अच्छा आइए उठा लो ये। तो बहुत ही पुअर क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है यामा की। तो देखते हैं अब इसका क्या रेजोल्यूशन निकलता है। तो कौन सेट में भर भर के पानी घुसा हुआ है। अभी इसका हाल अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह है, जंग खा खा के पूरा हाल हो अच्छे से भी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही पुअर क्वालिटी यामा द्वारा इस बार बेचे जा रहे हैं। बस आंखें बंद करके लोग ना खरीदे, मैं उनसे अपील करूँगा। इतनी पुअर क्वालिटी कभी यामा से उम्मीद नहीं करी थी मैंने, इस बार ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, गलती कर दी है। चलो देखते हैं। तो सर कौन सा टी बदलता रहूंगा मैं, तो मेरे को लग रहा है 10-10 हज़ार बाद है भाई। सही बोल रहे हो, अगर ऐसी दिक्कत आने लगी अभी तो खड्डों में लेके नहीं गया मैं। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वाकई ही इसको इतने खड्डों में लेके गया ही नहीं हूँ, कभी भी मैंने इससे ऑफ रोडिंग नहीं की है। और ये कौन सेट का आप हाल देख सकते हैं इसका। तो ये हमारा पुराना कॉन्सेट जंग खाया हुआ, और ये रहा नया कॉन्सेट जो कि इसका प्राइस कहाँ पे है भाई, इसका प्राइस है 918 रुपये, आप शायद देख सकते हैं। तो फिर यामा ने यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है एप्पल वाला काम पकड़ लिया है, एक्सेसरी ऐसे दो जो जल्दी खत्म हो और बंदे जल्दी मिल गए। तू सच बोलता है, तो ये तो ऐसा पार्ट है, ये तो चेंज भी नहीं होता होगा, इतना जंग लगा हुआ है। पार्ट फिर से है, ये सी है, यहाँ पे भी जंग, यहाँ पे तो है ये ग्रीस करके ऐसे लगा देंगे। अब इसको क्या करें, तो मैं अब जो यामा परचेज करने जा रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि भाई और ब्रांड पे जाओ, अब यहाँ पे कोई रिलायबिलिटी रही नहीं है। तो ये है जंग खाता हुआ यामा का भंगार, 10,000-16,000 रुपये खत्म कॉन्सेट।
अंदर से किया। ये है भाई, ये देख लो, ये हालत है। मेरी जंग, वन मैन आर्मी। तो सारा कॉन्सर्ट का काम दाम खत्म हो गया, अब तो टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो फ्रेंड्स, हैंडल मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही लग रहा है, कोई अभी इसमें जर्क वगैरह मुझे फील नहीं हो रहा है। प्ले काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अभी इन्होंने बोला है एक बार फिर खुलेगा शायद, ये लूज़ होगा तब इसको एक बार फिर कसवाना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। पर चलो देखते हैं, ज़रूरत ना ही पड़े तो ठीक है। तो बाकी जो बात हुई वारंटी की, कौन सेट अगर आपकी बाइक का 16-17 हज़ार के आसपास अगर आपकी बाइक का कौन सेट हो जा रहा है, तो मतलब आपकी बाइक की या फिर आपकी कंपनी जो है जिसकी बाइक है वो आपको अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रही है। तो यामा से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। वर्जन 2 से जो मुझे गुड एक्सपीरियंस मिला था वो सारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया V4 ने। कौन सेट की ये हालत जो मैं आपको वीडियो में दिखाई है, ऐसी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है यामा से। तो मैं तो आप सबको यही बोलूँगा कि अगर आप यामा V4 लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं V3 भी, तो आप एक बार KTM के शोरूम ज़रूर जाएं। KTM ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तो गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में RC 200 का रिव्यू भी डाल दूंगा, उसको देख लें एक बारी, आपको पता लग जाएगा। यामा ने हमारे पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब ये सोच रहे हैं ये कुछ भी बेचेंगे और इंडिया में हम खरीदते रहेंगे। अभी एक बार को तो मेरा मन ये भी कर रहा है कि मैं इसको बेच ही दूं। तो जैसा कि आप सबने देख ही लिया कि कौन सेट में क्रैक तक नहीं था। गाइज, मेरी गलती भी नहीं थी, मैं मानता कि भाई मेरी गलती है, क्रैक पड़ा है, पर नहीं गाइज, मैंने ऑफ रोडिंग भी नहीं की है, फिर भी इन्होंने मुझे वारंटी नहीं दी कौन सेट की। आई होप गाइज कि ये वीडियो देख के आपको कुछ फायदा मिल जाए और आप यामा लेते हुए ये सब चीजें देख लें एक बारी। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि एक बार KTM का शोरूम जरूर जाएं, बेशक वहाँ 50,000 ज्यादा है, पर आपको वीर एंड टीयर पे सब खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड, कीप वॉचिंग मोटो म्यूटेंट्स। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।